Assalamualaikum everyone, welcome वेलकम बैक टू channel. चैनल कैसे हैं आप लोग सब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे ये सब लोग ठीक ठाक होंगे आज है मैं आपके साथ अपना डे टाइम का रूटीन शेयर करी हूँ साथ, साथ थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मैं अपना हाउस वर्क में और यूट्यूब में और बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें अच्छा ये वाला जो टाइम है ना तो ये नौ बजे का होता है क्योंकि बच्चे सुबह जैसे साढ़े छः छः बजे तक उठ जाते हैं उनको मैं नाश्ता देती हूँ उसके बाद वो स्कूल चले जाते हैं स्कूल छोड़ के मैं वापस आती हूँ तो ये टाइम मेरा और अमल का होता है साथ में हम लोग नाश्ता करते हैं और थोड़ा सा खेल लेते हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ वगैरह करनी होती है इस टाइम पर ही करते हैं मेरा और अमल का ब्रेकफास्ट तकरीबन तो सेम होता है क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो हम लोग जो है खाते हैं उसमें कॉटेज चीज़ और पार्मशान चीज़ मिला के ना जैसे वो अंडा घोटाला टाइप का होता है ना वो बनाती हूँ तो अंडा ज़रा मैं ज़्यादा खाती हूँ ब्रेड कम खाती हूँ साथ में या तो कभी बेगल ले लेती ले ले हूँ कभी हाफ जैसे पीस होता है वो लेती ले ले हूँ अच्छा मेरा पूरा वीक का जैसे रूटीन है कि मंडे को मैं मील प्रेप करती हूँ ट्यूसडे को ज़रा क्लीनिंग वगैरह होती है नीचे की डाउन की और मिड वीक में जो है जो ज़्यादातर वेंसडेडे होता है उस दिन जो है ना मुझे ऊपर के बेडरूम्स और जो है सारी बेडिंग वगैरह चेंज करती हूँ और वीक में एक दफ़ा ही करती हूँ तो साथ साथ जो है लॉन्ड्री भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ अच्छा अगर छोटे बच्चों की बात करें ना तो ये जो है ना मेरे साथ पूरा दिन चिपकी रहती है जब तक ये नैप नहीं लेती ना तब तक मेरे साथ रहती है तो परेशान होने से बेहतर मैंने सोचा है अब ये कि इसको साथ साथ काम कराती रहती हूँ जो भी ये थोड़ा बहुत हेल्प करती रहती है इसको भी मज़ा आता है और ये कि मुझे तंग नहीं करती क्योंकि अगर मैं इसको जैसे गेम्स के लिए या किसी चीज़ के लिए भी बिठाऊँ ना तो ये एक जगह पर बैठती नहीं है तो साथ साथ मेरे घूमती रहती पूरे घर में जो मैं करती हूँ ना उसमें उसको ये करना होता है लॉन्ड्री जो है वो मैं दिन में जैसे एक दफ़ा करती हूँ कभी कभी जैसे दो लोड होते हैं तो साथ साथ जो है वो ड्राई होते जाते हैं फिर मैं फ़ोल्ड करती रहती हूँ और साथ साथ जो है वो दूसरा जैसे लोड लगा लेती हूँ एवरी वीक में ना जैसे एक दफ़ा अगर जैसे कोई गंदी ना हुई बेड शीट्स तो वैसे मैं रेगुलरली एक हफ़्ते में एक दफ़ा ही करती हूँ और फिर साथ, साथ वॉश भी करती रहती हूँ लेकिन अगर जैसे कुछ गिर जाए बच्चे जो है गंदा कर दें तो फिर जो है वो जैसे जब भी गंदी होती है वैसे ही चेंज कर लेती हूँ कभी कभी सिक होते हैं तो जो है उस वक्त भी गंदा हो जाता है अच्छा कल मैं गई थी थ्रेप स्टोर्स तो वहाँ से जो है बड़ी प्यारी बेडिंग की मुझे चीज़ें मिली दो टोइ शीट्स मैंने ली एक नवा के लिए थी उस पर जो है बनानास बने हुए थे और उसको जो है इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं और एक जो है मैंने मिसाल की ली थी उसको हर चीज़ जो है ना गर्ली गर्ली और पिंक पिंक अच्छी लगती तो उस पर स्ट्रॉबेरीज वाटरमेलन बने हुए थे एक कॉटन की थी एक पॉलिस्टर की थी लेकिन दोनों का प्रिंट मुझे अच्छा लगा था और एक जो है डुए कवर मैंने ले लिया था इनके पास कम्फर्टर्स तो हैं तो मैंने कहा कि ना कॉटन के जो जैसे होते हैं ना डोए कवर वो अच्छे होते हैं ऐसा ऐसा मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है तो नीचे के लिए ना जैसे सोफों के लिए मैंने सोचा कि एक थ्रो जैसे ब्लैंकेट होता है पाँव पे डालने के लिए वो ले लूँ तो नीचे ये कि डाउंस आराम से टीवी देख सकते हैं बच्चे छोटी मेरे साथ होती है सुबह हल्की हल्की ठंड होती है जल्दी उठ जाती है तो मैं उसको ये उड़ा दूंगी तो नीचे के डेकोरेशन के लिए भी अच्छा लगेगा अच्छा वैसे तो रेगुलर जो भी रूटीन होता है बच्चों का क्योंकि सुबह उठते हैं फ़ौरन से स्कूल जाते हैं तो कोशिश ये करती हूँ मैं सुबह अगर जैसे टाइम पे ही उठते हैं ना तो फिर अपना बेड वगैरह बना लेते हैं जितना भी जैसा भी करते हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कहती लेकिन जैसे चादरें चेंज करनी होती हैं अब चाह रहे वो तो नहीं कर सकते तो वो जो है मैं उसमें उसकी हेल्प कर देती हूँ उनका रूम वग़ैरह क्लीन कर लेती हूँ जब स्कूल से आते हैं तो फिर उनका रूटीन है कि अपना जैसे रात में अगर गंदा किया है रूम तो फिर क्लीन करके फिर ये लोग सोते हैं आज का जो दिन होता है ना इनकी जल्दी छुट्टी होती है तो मुझे जो सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं तो ये टाइम ऐसा होता है कि बस मैं सोचती हूँ कि सफाइयाँ हो जाएँ तो अच्छा है तो एक दिन जैसे ऊपर का कर लेती हूँ एक दिन नीचे का कर लेती हूँ और आज जो है जैसे मुझे अब मील प्रैप नहीं करनी थी पूरा खाना वगैरह तैयार था मंडे को मैं सारे खाने पूरे वीक के बना लिए थे से मुझे बड़ी आसानी होती है क्योंकि पूरे दिन में जो है वो बस ये सोचते हो खाना क्या बनेगा और अभी मुझे ये करना है वो करना है तो मुझे ये टेंशन नहीं होती पूरे वीक का खाना बना हुआ है अब बस मुझे जैसे एक दिन मैंने ऊपर की सफाई कर ली एक दिन जो है नीचे की सफाई कर ली एक दिन हफ़्ते में मैंने शॉपिंग का रखा हुआ है उस दिन मुझे कोई भी बाहर के काम होते हैं कुछ ख़रीदना है कुछ ज़्यादातर मैं गुडविल जैसे थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं उसमें ही जाती हूँ और अगर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया होता है तो उसकी जैसे पीआर वगैरह होती है उस तरह की चीज़ें कर लेती हूँ तो वो मुझे जो है एक्स्ट्रा एक दिन मिल जाता है उस दिन जो है ना वो मैं फिर अपने जो भी काम होते हैं वो कर लेती हूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी सेकेंड हैंड में इतनी अच्छी चीज़ें मुझे मिली और सब धुल के ना बहुत अच्छी साफ़ सुथरी थी तो मैंने इसको जो है ना उसी पुराने वाले कम्फर्टर पे चढ़ा दिया था और बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया था और रात में जब वो आया देखा अपने रूम में तो कहने कि ना ये तो बहुत अच्छा है आपने नया ले लिया उनका <laughs> फील करके देखा तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था नवा को अच्छा अमल जो है ना जो है उनका नैप टाइम इस तरह हो गया है कि वो दिन में सिर्फ दो या ढाई घंटे सोती है तो वो एक ही दफ़ा नैप लेती है तो उसका रूम जो है ना मैं उसी वक्त सही करती हूँ जब ये नैप लेने वाली होती है क्योंकि उसके बाद जो है उसको पहले लंच करा देती हूँ मैं उसके बाद जो है स्नैक वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहती हैं उसके बाद जो है टाइम आ जाता है इनकी नैप का तो जब ये नैप लेती हैं तो फिर मैं बच्चों को स्कूल पिक करने जाती हूँ दादा दादी इनके घर पर होते हैं तो ये सो रही होती है मैं जल्दी से पिक करके जो है वापस आ जाती हूँ रात में आजकल अमल बहुत तंग कर रही है दो दो तीन तीन दफ़ा उठ रही है और शायद तीदिंग हो रही है उसको या कुछ और मसला है तो जो है ना मैं पूरी रात सो पा रही हूँ ना ये तो ये सोती ट्रिप में है और मेरे पास बिल्कुल ये ना कंफर्टेबल नहीं होती तो वहाँ जागती रहती है तो फिर इसको अपना बेड चाहिए होता है लेकिन ये बार बार इतनी दफ़ा उठ रही थी खुद भी डिस्टर्ब हो रही थी तो दूध भी दे दो फिर भी सोती नहीं थी तो मैंने ये किया कि मैंने नोआ के टाइम पर भी बाई किया था वो भी बहुत जो है ना वो कॉलेग था तो इसमें होता है कि बस जो है वो आपने बैटरी डालनी होती है और ये ट्रिप के साथ ही लग जाता है और उसमें म्यूज़िक बजता रहता है तो बच्चे पूरी रात ईज़िली जो है ना उसको तो सुनते रहें आज खाना तो मुझे पकाना नहीं था तो उसकी टेंशन मुझे नहीं थी तो आज का दि दिन होता है ना तो वो जल्दी छुट्टी होती है तो बच्चों का ना आज डील होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा सा कुछ पकाना है तो या तो कभी पिज्ज़ा बना देती हूँ कभी मफिनस होते हैं कभी कुकीज़ होते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ अच्छा सा जो है वो लंच जैसे फैंसी लंच होता है ना वो हो जाता है आज हाफ डे होता है ना तो लंच टाइम नहीं होता सिर्फ स्नैक टाइम होता है तो भूखे होते हैं बहुत तो चाहते हैं कि कुछ जो है आते ही साथ मिल जाए तो मैंने सोचा कि आज कुकीज़ मेरे पास ही मैंने जार बना के रखा हुआ था इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ और इतनी आसानी हुई मेरे पास सारे इन्ग्रीडियंट्स जो थे जार के अंदर रखे हुए थे बस मैंने दो अंडे लिए और उसको जब बीट कर लिया था उसको बस बीट करके मैंने उसके अंदर बटर डाला है वन कप तकरीबन मेल्टेड और उसके बाद जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे ना बस आपने डम कर देना है वो जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि उस तरह से स्टोर करने उसी तरह से भी मिक्स करेंगे ना तो बिल्कुल क्लम्पी नहीं होंगे सही कुकीज़ बनेंगे इसको चाहे आप हाथ से कर लें या जो है वो बीटर से कर लें मेरे से जो है वो इसके साथ जो अटैचमेंट थी ना उसी से ही मैंने कर लिया था तो बड़े अच्छे जो है डो बन गई थी ऐसा करना है जब दो तैयार हो जाए ना उसके बाद आप पंद्रह मिनट के लिए ना उसको फ्रीज़र में रख दें उससे थोड़े से कुकी सेट हो जाएंगे मेरे पास ज़रा टाइम कम था तो मैंने बस पाँच मिनट में ही निकाल लिया था वरना ये कि जितनी ज़्यादा फ्रीज़ करेंगे ना उतने अच्छा शेप बनेगा कुकीज़ का अच्छा ये जो मैंने क्वांटिटीज बताई हैं इस बैटर से जो है वो तकरीबन 20 से 24 जो हैं वो छोटे मिनी साइज़ के कुकीज़ बन जाएंगे दरमिया साइज़ के अच्छा मैंने ये किया था कि हाफ जो है मुझे फ्रीज़ करने थे तो मैंने दो अलग अलग जैसे ट्रे में रखा था मेरे पास ट्रे जो है वो दो ही थी तो मैंने ज़रा जगह कम रखी थी मैंने आप जो है इसको ज़्यादा जितनी जगह रखेंगे उतने अच्छे जो है फ्लफी बनेंगे ये इतने जैसे कहते हैं ना रिच बनेंगे और ये इनका जो टेक्सचर होगा वो ऐसा चूही सा होगा लेकिन स्वीट भी होंगे और ओट -मील की वजह से जो है वो मज़ा भी आएगा खाने में तो ये जो है स्नैक के तौर पे पूरे वीक चल जाएंगे हर दो दिन के बाद तो मुझे ब्रेड बनानी होती है तो आज जो है वो दिन था कि मुझे ब्रेड बनानी है तो मैंने कहा आपको पूरा दिन दिखा रही हूँ तो वो दिखा देती हूँ कि मैं ब्रेड भी बना रही हूँ इस टाइम जो होता है ना वो मैं सुबह के टाइम में ज़रा इलेक्ट्रिसिटी कम होती है तो मैं इसी टाइम पर लगा देती हूँ तो जब तक जो है वो तीन घंटे होते हैं तब तक जो है रेट कम रहता है इसका बिजली का अच्छा थोड़ा काम वाम करके ना फिर मुझे अमल के साथ बैठना पड़ता है इसको वन टू वन में देती हूँ कभी हम एक्टिविटी करते रहते हैं साथ में बहुत मुश्किल से टी वी देखती है सिर्फ पाँच मिनट के लिए वो भी बेबी शार्ट इसको पसंद है बस वो सॉन्ग ख़त्म होता है बस पर और कुछ भी नहीं देखती ना ये टैबलेट देखती है इसको बस होता है मेरे साथ बैठ के ना कोई एक्टिविटी करो तो मुझे जो है थोड़ी सी से सेटिंग भी मैं चेंज कर रही थी क्योंकि जो है बैठने की जगह कम हो रही थी और जो है लाउंजर मैंने दूसरी तरफ रखा हुआ था तो वो टी वी पर ना चढ़ चढ़ की चीज़ें निकाल रही थी तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेती हूँ इसको जो है नैप के लिए मैं लेटा के को फिर बच्चों को स्कूल लेने चली जाती हूँ वापस आके आज है वो पहले तो उन्होंने कुकीज़ खा लिए थे उसके बाद मैंने इनके लिए लंच बनाया दोपहर में ना ये लोग इतना ज़्यादा लंच नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी स्कूल से भी करके आते हैं तो मैं चाहती हूँ कुछ जल्दी से जैसे प्लेटर होता है या जैसे बेंटो बॉक्सेस होते हैं उस टाइप का लंचेबल्स बना लेती तो नगेट्स रखे हुए थे फ्रीज़र में तो बस मैंने उन्हीं को ही डीप फ्राई कर लिया था और होता है ये कि नोआ के जो है ना सबसे ज़्यादा नखरे हैं तो इसको जो है ना उस स्पेशल प्लेट बना के देनी पड़ती है किस तरह से काटना है और क्या क्या चीज़ें देनी है अब नगेट्स जैसे मैंने बनाए ना तो मीशो तो जो है बर्गर भी खा लेती है और माशाल्लाह सब चीज़ें खा लेती है लेकिन नोआ का बहुत मसला होता है तो उसको केचप के साथ बस नगेट्स चाहिए होते हैं शुरू बर्गर खा लेती है तो मैंने ये किया कि बर्गर बने हुए रखे हुए थे बन इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ उसमें यही वाले चिकन अगेट्स जो है ना वो उसी से मैंने जैसे पैटी बनाते हैं उसी तरह उसमें रख दिया था तो इस तरह से ना चीज़ें अगर आप थोड़ी थोड़ी बना के रख लेना इतनी आसानी होती है अब जल्दी जल्दी मैंने बना लिया क्योंकि मुझे घर के काम करने थे तो कुछ स्पेशल बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला सिंपल मैंने जो है उसको फ्राई किया बन रखे हुए थे फ्रीज़र से मैंने निकाला उसको हल्का सा माइक्रोवेव किया और बर्गर तैयार हो गया ये वाले खाने वाले टाइम का जैसे ही ख़त्म होता है ना तो मेरा अपना जो है एडिटिंग का यूट्यूब का टाइम शुरू हो जाता है तो इस टाइम बैठ के मैं एडिटिंग करती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है मेरे साथ साथ लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये जो है वो अलग बैठी हूँ या सो रही हूँ जितनी नैप लेती है उसके बाद उठ जाती है फिर उसको भी देखती हूँ मैं साथ साथ जो है अपना यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह भी करती रहती हूँ और चाय पी लेती हूँ उस टाइम जो है वो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है साथ साथ ये दोनों भी बैठे रहते हैं अपना थोड़ा स्क्रीन टाइम कर लिया प्ले हो गया या फिर बुक्स वगैरह पढ़ ली और उसके बाद जो है वो खाने का टाइम हो जाता है जब हस्बैंड आते हैं तो आज जो है वो मैंने बनाना पहले मैं क्लिप भूल गई थी जब ख़त्म हो गया था मुझे याद आया तो हमने दाल खाई थी और फ्रेश फ्राई कर लिया था मैंने और साथ साथ जो है ब्रेड भी बेक हो गई थी तो सब काम जो है आराम से हो गए थे अच्छा हमारे बच्चों को खाना खा के भी भूख लगती है तो मुझे होता है कि कुछ अनहेल्दी ना ही खाएं तो अच्छा है तो ब्रेड बनी हुई थी फ्रेश तो मैंने कहा चलो सैंडविच खा लो दूध पी लो तो साथ में जो है मैंने उनको चॉकलेट और पीनट बटर के सैंडविचेस बना दिए थे फ्रेश ब्रेड के बड़े अच्छे बनते हैं और उसके बाद दूध दे ना फिर मैं इनको रात के टाइम पर जो है ना सला देती हूँ और इनका बेड टाइम तकरीबन सात से आठ बजे तक का होता है आज की वीडियो बस यहीं तक है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय